नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं आपके साथ हूं शैलेंद्र कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शहर हो या गांव, हर जगह चर्चा खूब हो रहा है। गोपालगंज सुरक्षित सीट के लिए उम्मीदवार अपना नामिनेशन कर चुके हैं, पर्चा भर चुके हैं। कुल 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, प्रमुख रूप से एनडीए से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जो कि पहले सांसद थे, उनको मैदान में उतारा गया है। तो वहीं महागठबंधन के तरफ से चंचल पासवान है, तो एआईएमआईएम की तरफ से दीनानाथ मांझी मैदान में है। मेरी मौजूदगी जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश बिहार सीमावर्ती क्षेत्र बॉर्डर है, बलथरी गांव है, यहां पर है। मैं इधर से गुजर रहा था तो गर्मी का मौसम है और एक जगह पे कुछ लोग इकट्ठे होके कुछ बातें कर रहे थे। मैं जानने की कोशिश किया कि क्या बातें हो रही थी, तो बात राजनीति की, क्योंकि 25 को चुनाव है और सभी लोग घर से मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर जाएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार क्या होगा चुनाव के, ये जो गोपालगंज का जो सुरक्षित सीट है, इसका क्या नतीजा आने वाला है, जो मतदान होगा वो किस मुद्दे पर होगा। क्योंकि हर बार चुनाव होता है, चाहे पंचायती राज का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, विकास एक शब्द है जिसको खूब नेताओं के द्वारा लोगों के बीच रखा जाता है और लोग भी बोलते हैं, मतदाता भी बोलते हैं कि हमको विकास चाहिए, विकास पर मैंने मतदान किया है या मतदान करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राकेश साहिब। इस बार चुनाव है गोपालगंज सुरक्षित सीट को लेकर। तकरीबन 15 साल एनडीए भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में गोपालगंज सुरक्षित सीट रहा है, फिर इस समय डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, चंचल पासवान है, दीनानाथ मांझी, अन्य कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। इस बार क्या होगा? कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ से एनडीए उम्मीदवार का जीत पक्का है और पूरे देश में 400 पार होगा इस बार। पूरे देश में 400 पार की बात, यह यहाँ गोपालगंज सुरक्षित सीट के जो डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है, इनकी जुबान से नहीं निकल रही है। ये जो कहानी है, यह जो के दिल्ली में सरकार बनी है, दिल्ली में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की बात, इस बार 400 पार। क्या आप नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रसन्न होके ये कार्य कर रहे हैं या डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के बातों कार्यों से प्रसन्न होके ये बात कह रहे हैं? विकास मुद्दा है और विकास मोदी के समय में बहुत हुआ है, इसलिए पूरा देश जो है सो मोदी मय है और गोपालगंज जिला में कोई लड़ाई ही नहीं है। गोपालगंज जिला में कोई लड़ाई नहीं है, खैर अपना अपना मत है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यहां की जो जनता है वो कह रही है। इस बार जो चुनाव होगा, मतदान केंद्र पर जाइएगा, गोपालगंज को और किस तरह की विकास की आवश्यकता है? क्या मोदी को वोट मिलेगा गोपालगंज में? इस बार किस तरह की विकास की और आवश्यकता है? मोदी के वोट मिलेगा, मोदी के विकास किए हैं। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन 5 साल सांसद यहाँ पे रहे, इसके पहले भी लोग सांसद रहे यहाँ पे, इनके सांसद जो रहे हैं, इस कार्यकाल में सबसे लोकप्रिय योजना जिस पर ये कार्य कर रहे हो या जो विकास के कार्य करने की कोशिश कर रहे हो या किए हो, कौन सा है? हवाई अड्डा है, उसमें विकास तेजी से कर रहे हैं। सबया हवाई अड्डा है, सबया हवाई अड्डा लोगों के जेहन में है और गोपालगंज में तो तमाम सांसद आए हैं, रहे हैं और आगे भी होंगे। सांसद कौन होगा ये तो जो 25 तारीख को मतदान होगा और जो मतदान का जो परिणाम आएगा वो बताएगा, लेकिन विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास में जो एयरपोर्ट के कार्यों के लिए किए हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे इस बार? एक ही विकल्प है, जैसे मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कहीं विजय हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब हम लोग निकलते हैं गाँव में तो लोग कहते हैं कि हमको मोदी पर विश्वास है, लेकिन एनडीए के उम्मीदवार जो हैं, जो नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार आए हैं, इन पर भी विश्वास है, लेकिन जो बार बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है इसको लेकर नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है, क्या करें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नीतीश कुमार पर ही विश्वास है। नीतीश कुमार पर भी विश्वास है, लोगों को विकास मुद्दा है और नीतीश कुमार भी अपने कार्यकाल में
अच्छा खासा विकास किए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जो सीरत है, सूरत है बिहार की, वो बताता है, और लगातार विकास होते रहा है। आप युवा है, इस तरह गोपालगंज में किस तरह का विकास की आवश्यकताएं हैं? अभी तो उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डा का जो है तो पूर्णतः व इस योजना का हम लोग लाभ उठा सके जल्द से जल्द, अभी तो वही मेन उद्देश्य है। हर गोपालगंज वासियों के जो जेहन में एक बात है, वो एयरपोर्ट। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एयरपोर्ट क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि जो बिहार का सारण प्रमंडल है, सिवान, गोपालगंज, छपरा, यहाँ से खाड़ी देशों में बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, और अधिक लोग खाड़ी देशों में रहने की वजह से गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, उनको बाहर से आने के दौरान उतरना पड़ता है और घर आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए एयरपोर्ट गोपालगंज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि और भी उनके द्वारा तमाम विकास के योजनाओं को रखा गया है। गोपालगंज पूरे शहर को सुरक्षित करने के लिए तीसरे आंख को लेके 140 कैमरे लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए की लागत से लगाए गए हैं, कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तमाम योजना है। क्या कहेंगे, इस बार परिवर्तन होगा या फिर जो 15 साल से NDA और BJP का जो सीट रहा है गोपालगंज वही होगा? इस बार क्या होगा? इस बार BJP जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी अच्छे हैं, चुनाव वही जीतेंगे, प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव नरेंद्र मोदी जीतेंगे, और नरेंद्र मोदी तभी चुनाव जीतेंगे जब गोपालगंज से साक्षात आलोक कुमार सुमन जीतेंगे। इस बार आप जाइएगा मतदान केंद्र पर, आपका क्या मुद्दा रहेगा, धर्म, जाति, विकास या फिर पार्टी? नहीं, मेरा तो विकास मुद्दा रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार में विकास हुआ है, प्रत्याशी को हम लोग नहीं जानते हैं प्रत्याशी क्या है नहीं है। नरेंद्र मोदी के सरकार में विकास हुआ है, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय योजना हो, चाहे गली नली या पक्की सड़क, नीतीश कुमार का एक पर्सनल योजना है और नल वाला, और मांग भी करते हैं सरकार से कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। यही मुद्दा है हम लोग का, प्रत्याशी को हम नहीं जानते हैं। मोदी सरकार से खुश है, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन से खुश है। सांसद का चुनाव है और निश्चित ही ये चुनाव जो होता है, केंद्र में जो सरकार रहती है उसके विकास शैली पे, उसके जो कार्य करने की शैली होती है उस पे यह चुनाव होता है। 25 तारीख को मतदान है, और जब आप मतदान केंद्रों पे गोपालगंज की जनता निकल के जाएगी और मतदान का प्रयोग करेगी, उसके बाद जब जो परिणाम आएगा वो ये देखने वाला होगा कि जो 11 उम्मीदवार मैदान में इस समय है उसमें किसका होता है जीत और किसको सामना करना पड़ता है हार का सामना। दर्श न्यूज के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार।